2121 सैंपल सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से 4943 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं मधेपुरा के अंदर और ये पॉजिटिविटी रेट 0.86 है। लेकिन ध्यान रखिए ये दोनों फेज के लिए है। टोटल अभी तक जब से कोविड की स्थिति हमारे यहाँ आई थी मार्च 2020 से अभी तक ये डेटा है, बाद में उस डेटा को तोड़ के हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी आपको बताएंगे। तो मार्च 2020 से अभी तक 573,121 सैंपल्स हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, जिसमें से 4943 लोग, तकरीबन 5,000 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो कि 0.86। लेकिन सेकेंड वेव में आप देखेंगे टोटल टेस्टिंग 15 मार्च के बाद अगर माना जाए तो सेकेंड वेव में हमने टोटल टेस्टिंग की है 57,398 और टोटल पॉजिटिव केसेस है हमारे पास 450, जो 0.78 पिछली बार से थोड़ा कम है। तो इसका एक आधार हो सकता है कि इस बार सैंपल की साइज बड़ी है, सैंपल ज्यादा लिए गए हैं, अगर साइज बड़ी होती है तो पॉजिटिविटी रेट कम होने की कम होती है। अगर और सबसे ब्रिलियंट फेज देखेंगे पिछले 15 दिन का, तो हम लोगों ने 40,000 सैंपल लिए हैं और पिछले 40 दिनों के सैंपल में 434 लोग पॉजिटिव हैं और 1.08 की पॉजिटिविटी रेट है। इसके माने क्या हो, मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसको समझाता हूं। इसके मतलब वो है कि 1 अप्रैल तक हमारे पास में सिर्फ 15 लोग थे जो पॉजिटिव थे, 1 मार्च से 16 अप्रैल तक हमारे पास में बहुत लोग पॉजिटिव, 1 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में जो ये दूसरा दौर है उसमें 1 मार्च से 1 अप्रैल तक जो स्थिति थी सामान्य थी, 5, 7, 15 इस तरह लोग 15 लोग, लेकिन उसके बाद में ये रैपिडली बढ़ा और पिछले 15 दिन में हम लोगों के पास में 434 लोग 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 434 लोग पॉजिटिव हुए, बाकी लोग इसमें से ठीक होकर चले गए। अभी मेरे पास टोटल एक्टिव केसेस है 292, पर ये ही नहीं है 292 आज की तारीख में एक्टिव केस, जैसे डेटा में अगर गड़बड़ होगा मित्रों तो पूछ लीजिएगा, आज की तारीख में 292 केसेस एक्टिव है, पर अभी रिपोर्ट आई है 15 मिनट पहले कि आज 90 केसेस आए, आज ये 292 में प्लस 90 कर दीजिए आप, आज का आंकड़ा है, मतलब एक दिन में 90 केसेस आ जाना वाकई ही अलार्मिंग है। तो आज की तारीख में हमारे पास 292 प्लस 92 लोग हैं, तो 292 का आंकड़ा हमारे पास है, जिसमें हम लोगों के पास में 10 लोग मेडिकल कॉलेज पे हैं, 10 के 10 लोग ऑक्सीजन पे हैं अभी और 4 लोग एम्स में गए हुए हैं। जो हमारे आइसोलेशन फैसिलिटी है टीपी कॉलेज और उदा कृष्णगंज में, वहां पर टीपी कॉलेज में हमारे पास 28 लोग हैं और उदा कृष्णगंज में हमारे पास 22 लोग हैं। कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज होने की, हम लोग पूरा ब्रीफ देंगे आपको। टोटल 50 लोग अभी हमारी आइसोलेशन फैसिलिटी में है, उसके बाद में होम आइसोलेशन में 190 लोग थे, तो आज जो 90 लोग भी प्राप्त हुए वो भी होम आइसोलेशन में ही माने जाएंगे जब तक उनको शिफ्ट ना कर दें हम लोग। तो इस प्रकार से हमारे पास 292 प्लस 92 लोग आज की तारीख में एक्टिव हैं। उसके बाद में हम लोग इससे लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन तकरीबन 88,768 लोगों को हम लोग फर्स्ट डोज दे चुके हैं, 22,443 लोगों को सेकेंड डोज दे चुके हैं, इस प्रकार से तकरीबन 1,00,000 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने मास्क के लिए एक्सटेंसिवली हम लोग काम कर रहे हैं, धरातल पर भी उतर रहे हैं घंटों घंटों, मैं स्वयं और हमारे एसपी साहब सड़क पर खड़े होकर भी मास्क लोगों का फाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत डिटेल्ड ऑर्डर निकाला है सारे ब्लॉक्स के लिए, तो वहां पर भी मास्क के लिए फाइन की जा रही है। अभी तक हम लोगों ने 18,253 लोगों को फाइन किया है, जिसमें टोटल हम लोगों ने 9,12,650 रुपए वसूले हैं, और यह आंकड़ा फिर पूरा है। 1 मार्च से 16 अप्रैल के बीच अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने 2743 लोगों को फाइन किया है और 1,37,000 रुपए वसूले हैं। कहीं जगह पर हम लोगों ने दुकानें भी सील की हैं और लोगों से बार बार हम आग्रह करते हैं कि वो सब लोग मास्क पहने। तो हम वैक्सीनेशन फ्रंट पे काम कर रहे हैं, दूसरा हम लोग मास्क ड्राइव के फ्रंट पे काम कर रहे हैं, सारे ऑफिसेज जो है हाफ स्ट्रेंथ में काम कर रहे हैं, लोगों को कहा जा रहा है कि स्टे इनसाइड द डोर्स जब तक जरूरी नहीं हो, और हम लोग अपनी आइसोलेशन फैसिलिटीज चला रहे हैं, जगह जगह पर चेकिंग्स कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, और हम लोग खासकर ये ध्यान रख रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का वैक्सीनेशन हो। तो हमारे पास 1,42,000 बुजुर्ग थे जो पेंशनधारी थे,
उसमें से 50,379 लोगों का हम लोग वैक्सीनेशन दे चुके हैं और 45 से 60 इयर्स के बीच में 24,376 लोगों का वैक्सीनेशन दे चुके हैं। वैक्सीन की सप्लाई बराबर है, बीच में चूंकि मैसिव इसमें रहता है तो कभी कभी सप्लाई के भी इश्यूज आ जाते हैं, पिछले सप्ताह भर से सप्लाई इसके थोड़े से इश्यू आ रहे हैं, मगर मोर और लेस जो वैक्सीन की सप्लाई है वो ठीक है। तो ये वर्तमान की स्थिति है और ये गंभीर होती जा रही है। आज 90 केसेस मिलना, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को कहना होगा कि आप मास्क बना के बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने,